अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको दैनिक फैक्ट यूट्यूब चैनल में दिल से खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक खुशखबरी सुनाने वाले हैं, लेकिन खुशखबरी से पहले अपने आप को थाम लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं, आपको खुशखबरी सुनाते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। خالد في البر كان ليس حق في البحار كان حوتا بربروسا إننا الأبطال لا نحن الرؤوسا إننا للمجد أرخصنا النفوسا। नाज़रीन गिरामी, कुरलुश उस्मान की रौनक में एक और इजाफगी होने वाला है, और वो हो कि अर्तक बे के आने से। दोस्तों, कुरलुश उस्मान के एडमिन ने सीजन के शुरू में कहा था, अगर आपको याद है, कि इस सीजन में दिलिश और तुगरुल के तबीब भी होंगे, लेकिन बदकिस्मती से कि अब तक नहीं आया था, और आपको पता भी है कि नहीं आया है, लेकिन हालिया सरगर्मियों से ऐसा लगता है कि आने वाला ही हो, क्योंकि पहले बामसी और अब्दुलरहमान के साथ पाकिस्तान आए थे और अब कुरलुश की टीम के साथ चचिनिया के दौरे पर गए हैं। जाहिरन टीम शायद ये बनेगी कि बामसी जख्मी होने के बाद उसके हाथ के इलाज के लिए अर्तक बे आएंगे, लेकिन सीन जो भी बनेंगे दोस्तों, अर्तक बे आएंगे और हम उसके इंतजार करेंगे और इंशाल्लाह जल्द ही आएंगे। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो, उम्मीद करता आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए ये खुशखबरी काफ़ी होगा आपके लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।